सब्सक्राइब करिए टुडे स्पोर्ट टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट बिजनेस और टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टुडे स्पॉट टिप्स पे। दोस्तों आज जो बिजनेस की बात करने जा रहे हैं, ये बिजनेस है ना काफी फेमस बिजनेस है। यानी दोस्तों गर्मियों के सीजन में ना इसकी काफी ज्यादा डिमांड रहती है। वैसे तो हर सीजन में इसकी डिमांड रहती है, पर गर्मियों के सीजन में इसकी काफी ज्यादा डिमांड रहती है। तो बिजनेस है ना आप शुरू करेंगे ना तभी से आपको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो स्टार्टिंग करने की देरी है, फिर देखिए दोस्तों कैसे प्रॉफिट होता है इसमें। आप आराम से पर डे आप आराम से 4 से लेकर 5 हजार रुपए या फिर 3 हजार रुपए या फिर 2 हजार रुपए तो आप आराम से पर डे के कमा ही लेंगे। वैसे तो इससे ज्यादा ही कमा लेंगे, पर दोस्तों आप इतना तो कमा ही लेंगे। तो दोस्तों आप इस बिजनेस की शुरुआत करेंगे ना आपको प्रॉफिट अच्छा खासा ही होगा। इसके अंदर थोड़े इन्वेस्टमेंट की ना आपको 5 से लेकर 10 लाख के इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, क्योंकि दोस्तों आपको ना जगह वगैरह है ना आप अपनी सिटी से थोड़ी सी बड़ी जगह लेनी होती है। आप अपनी सिटी से थोड़ी सी आउटसाइड थोड़ा सा आउटसाइड जाकर आप ये जगह वगैरह ले सकते हैं। आप अपनी सिटी में आपको लोकेशन पर अच्छी लोकेशन पर जगह मिल जाती है थोड़े कम रेंट पर, तो आप रेंट पर भी जगह ले सकते हैं। खुद की जगह लेकर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगा, वो आप पर डिपेंड करता है। रेंट पर लेते हैं तो आप 5 से लेकर 10 लाख के इन्वेस्टमेंट में आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत ज्यादा जगह ये बना बनाया है, यानी दोस्तों ये बिजनेस है स्विमिंग पूल का बिजनेस, यानी दोस्तों आपको अगर ये बना बनाया मिलता है स्विमिंग पूल वगैरह तो आप उसको रेंट पे ले सकते हैं। या अगर दोस्तों बना बनाया नहीं है तो आप जगह रेंट पे लेकर खुद का वहां पे बना सकते हैं और थोड़ा सा एग्रीमेंट वगैरह भी उनसे कर सकते हैं। या आप 10 साल का 5 साल का या फिर 4 साल का 1 साल का जितने भी आप एग्रीमेंट करना चाहते हैं उस हिसाब से आप एग्रीमेंट करके वो जगह आप लीज पे ले सकते हैं और स्विमिंग पूल वगैरह वहां पर तैयार कर सकते हैं। और एक थोड़ा सा लॉकर वगैरह भी रूम वगैरह भी तैयार कर सकते हैं लेडीज के लिए अलग और जेंट्स के लिए अलग, और दोस्तों शावर वगैरह की फैसिलिटी भी दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों स्विमिंग कॉस्ट्यूम वगैरह होती है, टॉवल्स वगैरह होते हैं, वो भी आप रख सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद आप जो बलून वगैरह होते हैं स्विमिंग में यूज होते हैं वो भी आप दे सकते हैं, बच्चों के लिए भी आप फैसिलिटी अलग से दे सकते हैं। तो दोस्तों आप ये ना बिजनेस शुरू करके ना अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेंगे। अब आपको इसके लिए स्विमिंग पूल तैयार करवाना है और आप स्विमिंग पूल अपने हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप जितना बड़ा बनाना चाहते हो उतना बड़ा बना सकते हैं। और एक या दो आप हेल्पर रख सकते हैं, आप एक हेल्पर रख सकते हैं जो स्विमिंग पूल की आपकी देख रेख कर सके, जो उसकी क्लीनिंग वगैरह कर सके। तो दोस्तों आप इस बिजनेस की शुरुआत करेंगे तो आपको प्रॉफिट ही होगा। उसके बाद दोस्तों अब इसमें कमाई की बात करें तो दोस्तों आप आराम से पर डे 2000 से लेकर 5000 10000 तक भी इनकम कर सकते हैं सीजन के टाइम में। अब दोस्तों इसकी जो है ना जो आप प्राइस है ना पर हावर के हिसाब से भी रख सकते हैं या फिर दोस्तों आप पर पर्सन के हिसाब से भी रख सकते हैं। तो पर हावर आप रखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि दोस्तों हर जगह ये पर हावर ही चलता है। तो दोस्तों आप प्रति घंटे के हिसाब से पैसे ले सकते हैं। ये पैसे आप 40 रुपये घंटा 20 रुपये घंटा या फिर 50 रुपये घंटा या फिर 60 रुपये घंटा, वो आपकी सिटी पर डिपेंड करता है आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं और वहाँ की सिटी में दूसरे जो स्विमिंग पूल है वो कितना चार्ज ले रहे हैं। तो दोस्तों आप इसी हिसाब से ये कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ना इसके लिए थोड़ी सी लोकल एडवर्टाइजमेंट करनी होगी, लोकल न्यूज़पेपर या लोकल चैनल वगैरह पे या फ्लैक्स वगैरह लगाकर या फिर आप पोस्टर वगैरह लगाकर ये थोड़ी सी लोकल एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप है ना इस बिजनेस में है ना अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेंगे। यानी दोस्तों स्टार्टिंग बस कर दीजिए, उसके बाद देखिए दोस्तों कैसे प्रॉफिट होता है। अगर आपकी खुद की जगह है ना तो आपको और भी ज़्यादा प्रॉफिट है, फिर तो आपको और भी ज़्यादा, बस लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे कस्टमर को आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और दोस्तों आप इसके साथ साथ थोड़ा सा खाने पीने की फैसिलिटी भी दे सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह की या फिर दोस्तों जो जूसेस वगैरह है वो भी थोड़ी सी आप फैसिलिटी दे सकते हैं। रेस्टोरेंट वगैरह भी आप उसके साइड में शुरू कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो स्विमिंग पूल में आता है कस्टमर वगैरह आते हैं तो दोस्तों वो थोड़ा सा खाना पीना भी पसंद करते हैं। तो दोस्तों आपका वो बिजनेस भी अच्छा खासा चल जाता है। यानी दोस्तों आप इसमें है ना 3 से लेकर 5000 6000 रुपये आराम से पर डे के कमा ही लेंगे। और दोस्तों आप इसकी शुरुआत करेंगे ना तो आपको प्रॉफिट स्टार्टिंग से ही मिलना शुरू हो जाता है और इसकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तो दोस्तों शुरुआत कीजिए, फिर देखिए दोस्तों कैसे प्रॉफिट होता है। यानी कि दोस्तों आप इस बिजनेस से 60 हज़ार से लेकर 1 लाख रुपए तक के आराम से कमा लेंगे। बस शुरुआत करने की देरी है, शुरुआत कीजिए प्रॉफिट कमाइए। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, जुड़े वो लाइक करें शेयर करें, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके सामने ऐसी वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।